हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। संदीप सिंह व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज बहुत गर्मी है, गर्मी ज़्यादा ही हो गया है, तो बहुत दिन से नदी में नहाए नहीं थे, तो आज नदी में नहाने जा रहे हैं कुछ दोस्तों के साथ, अपने भाई लोगों के साथ। तो चलते हैं नदी में नहाने, तो थोड़ा इन्जॉय, बहुत दिन से नहीं किए थे नदी में नहा के, तो नदी में नहाएंगे, मज़ा आने वाला है। बहुत दिन बाद नहाने वाला हूँ, इधर आसपास नदी है नहीं, तो थोड़ा दूर जा रहे हैं, जहाँ से जसपुर का पानी आता है वहाँ पर जा रहे हैं नहाने, तो उस चीज़ को दिखाएंगे। तो वीडियो पे बने रहे, कंटिन्यू रहे, मिलते हैं रास्ते पे। तीन लोग और जा रहे हैं, ये अमित जा रहा है, और ये जा रहा है ईश्वर। तो 6-7 किलोमीटर है बोल रहे हैं, तो भाई लोग बोल रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे। संदीप सिंह व्लॉग सर्च मारना, यूट्यूब में आ जाएगा मेरा चैनल। तो गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। तो यहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, पेट्रोल 113 ही है। मैं ये डीजल का देख लिया था, गलती हो गया, पेट्रोल का है। पेट्रोल का दाम अभी 113 लीटर रुपये है। क्या मशीन है ये, खोलिए तो। अरे बाबा, देखो कर सकते हैं इसमें, आप भी कर सकते। खतरनाक मशीन है। हेलो दोस्तों, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं होटल में, सोच रहे हैं कि खाने के लिए कुछ लेते जाए वहाँ पे, कहे कि नहाने के बाद भूख लगेगा तो फिर ले लेते हैं। तो दोस्त लोग बोल रहे हैं कि ये धुसका ले लेते हैं, तो धुसका ले लेंगे। अभी धुसका पैक करवा लिए हैं 100 रुपया का। सामान ले रहे थे, पानी पीने के लिए ले लिए हैं 2 बोतल, ये तेल और ये साबुन, बस घर से कुछ लेके नहीं आए थे, तो बस यहाँ पे 20 पीस लाओ, थोड़ा सामान ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। देखो, पानी को बोतल में भर के बेच दे रहे हैं, और पानी बिक रहा है 15 रुपया 20 रुपया बोतल। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं ये फतेहपुर से थोड़ा सा आगे में, और ये चौक है उधर से आए हैं हम लोग। इधर से ये जाता है आगे गुल्लू फॉल साइड, और इसमें जाना है अपने को, इसी में जाए गए। अभी साफ सुथरा हो चुका है, डामरीकरण न्यू हो चुका है, तो मज़ा आ रहा है यहाँ। दोस्तों देख, किसका कच्चा गिर गया, किसका कच्चा ही। ओ माय गॉड। हाँ दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पास, और ये काफ़ी बड़ा डैम माना गया है यहाँ पे। तो देखिए, आपको दिखाएंगे, और यहाँ पे क्या पिकनिक मना रहे हैं। हमके मिली कि नहीं मिली। और देखिए यहाँ पर, अरे बाप रे, खस्सी मनाया जा रहा है। ओ माय गॉड, पिकनिक मनाने आए हैं। हाँ, चर्बी, जो खस्सी का जो खुशबू आता है, जो मटन का, बहुत ही खतरनाक होता है बद्दू जो। चलो, गड्ढा तो नहीं है ना, मैं तो डूब जाएंगे हम। और ये है वो जगह, काफ़ी अच्छा है, बहुत ही मस्त जगह है, अच्छा लग रहा है। ऐसा देखने से लगता है कि समुद्र टाइप का बड़ा सा डैम। और मेरे को गड्ढा में ले आए हैं इन लोग, का इरादा ठीक नहीं लग रहा है मेरे को नहाने में। और यहाँ पे इतने लोग आए हैं नहाने, तो बहुत वीडियो बना लिए, थोड़ा नहा लेते हैं, थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा। तो चलते हैं नहाने, मोबाइल को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन मोबाइल पानी में घुस गया तो फिर सब चौपट हो जाएगा, अब लोगों में सब बेकार हो जाएगा। तो नहाने चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हाँ दोस्तों, हम नहाने जा रहे हैं, यहाँ पे घूमने वाले हैं, तो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है, और डर भी लग रहा है। चलो। डर लग रहा है। दोस्तों, अभी नहा धो के हो चुके हैं रेडी, बहुत मज़ा आया। मज़ा तो थोड़ा, मेरे को डर ज़्यादा लगा, मज़ा तो कम आया, लेकिन बहुत दिन बाद नहाए तो थोड़ा मज़ा आया। और अभी नहा धो के रेडी हो चुके हैं,
अब नाश्ता लाए हैं, उसको नाश्ता को खाना है, उसके बाद आराम से खाएंगे, उसके बाद घुमाने के लिए तो ये अपना सामान है, घुमाने के लिए मन जाएगा, गठा गठा पानी पकड़े हैं, धूप में गर्म हो जा रहा होगा। चलो गोलू पकड़ो सामान को, ये उसे लेने उतर रहे हैं ये डब्बा को। मिशन सक्सेसफुल, तो चलते हैं अब नाश्ता करेंगे, नाश्ता लाए दोस्तों। और ये देखो बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों, नहाने का मन करेगा तो यहाँ पे जरूर आए, डुमर टोली डैम। और ये जसपुर का पानी यहीं से सप्लाई होता है दोस्तों, देखिए वो टंकी बना हुआ है, वो वहाँ से पानी सप्लाई होता है और यहीं डैम का पानी जसपुर में जाता है, देख लो। और ये वहीं डैम में हम नहाते हैं। तो बोलो नहा के कैसा लगा? एक नंबर लग रहा है, मज़ा आ गया, फ्रेश फ्रेश। तो नहा लिए, अब चलते हैं थोड़ा नाश्ता पानी कर लेंगे, भूख लग रहा है। बस सुबह नाश्ता किए थे पर भूख तो भूख होता है, अभी जाके खाना भी खाएंगे, उससे पहले नाश्ता कर लेते हैं। आए हैं पिकनिक मनाने और पिकनिक में स्पेशल सब्जी है मटन। आधा सामान को रख देते हैं का, कपड़ा उपड़ा को। अच्छा नगर पालिका से आया हुआ है ना, मतलब क्या बना रहे हैं, पिकनिक बना रहे हैं यहाँ पे? हाँ अच्छा, आज लेबर डे है इसीलिए खाना बन रहा है, तो पिकनिक बने, मजदूर दिवस। तो हम लोग आ चुके हैं एक मैदान पास, डैम के जस्ट बगल में ही है। यहाँ पे अभी खाने वाले हैं लोग, जो लाए थे उसका समोसा उसी को निकालने के लिए साफ करेंगे, इसको खाते हैं। ठीक है ना, अरे स्त्री इसका थोड़ा बोतल थोड़ा लूज। तो दोस्तों अब खा लेते हैं कुछ, थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर। हाँ दोस्तों हम खा पी के हो चुके हैं रेडी, अब जाने वाले हैं घर। अब घर चलते हैं, इसको बांध लेते हैं थोड़ा स्कार्फ की तरह तौलिया को, काहे के लिए स्कार्फ तो है नहीं, और धूप काफ़ी कम हो गया है लेकिन धूप लगेगा जाते वक्त। तो मज़ा आया, कैसा लगा? बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ेदार जगह है। संदीप भाई को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें जरूर फॉलो करें गाइस, क्योंकि जसपुर का भी बहुत सा ऐसी जगह है जहाँ पे कोई एक्सप्लोर नहीं किया, उस जगह को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे के रखे रहें। और अभी चलते हैं घर, घर चल के थोड़ा बात करेंगे, उसके बाद बात नहीं भी करेंगे तो कुछ करेंगे ज़रूर, लेकिन चलो चलते हैं फिलहाल। तो यहाँ से मिर्ची खाते, मतलब चटनी में इतना अधिक मिर्ची था कि खाते खाते पसीना निकल गया मेरा। तो आपको एकदम एक खास चीज दिखाने वाले हैं, और देखिए ये है नाग का घर, यहाँ पे जरूर सांप वाप होगा मेरे को लगता है, देखिए इतना बड़ा है ये, देखिए जमीन से, ये तो छोटा है इससे भी बड़ा दिखाता हूँ मैं आपको, जमीन से करीबन 4 फुट होगा ना, 5 फुट जमीन से 5 फुट ऊपर बना हुआ है ये, इतना ऊंचा है। और ऐसा ऐसा 4 गो है, ये 1 गो है, 2 गो है लाइन से, देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। बाप रे, मतलब दुनिया का फर्स्ट इंजीनियर दिमाग लोग रहते हैं, पता है आप लोगों को? देखो ऐसे ऐसे 4 गो है, एक ये 2 3 फिर आगे में और एक छोटा सा, इसमें जरूर नाक साफ होगा ना। और यहाँ बिल, इसका बिल भी नहीं है गागो, कहाँ है इसका बिल? इसमें भी बिल नहीं है, इसमें भी बिल नहीं है। और ये है ये, छेदा ही नहीं है किधर से, हल्लों का गाड़ी वहाँ पे खड़ा किए हैं। और ये रोड से थोड़ा दूर में है, चलते हैं अब इसी को दिखाने की, थोड़ा स्कूटी खड़ा किए थे। तो मैं आ चुका हूँ घर, और
नहा नहा के थोड़ा थक गया हूँ कूद कूद के, तो नहाने में ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आप लोग भी जाओ कभी डुमाई टोली, जहाँ से जसपुर के लिए पानी सप्लाई होता है, वहीं का वहीं डे में नहाने गए थे शायद तक नदी लावा नदी शायद तक वहीं से आता है पानी, तो वहाँ पे नहाने गए थे और बहुत ही मज़ा आया। बहुत दिन के बाद नदी में नहाया तो बहुत मज़ा आया। कहने के लिए इधर आसपास में नदी है नहीं, और नदी में नहाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, तो गए थे आज संडे के दिन में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जसपुर के हर छोटी छोटी जगह को एक्सप्लोर करूँगा। जब भी नई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँच जाए, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।